हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है सोशल ट्रेड से रिलेटेड। तो दोस्तों, आपको ये सब तो पता है कि 1 अप्रैल को जो इस केस की सुनवाई होने वाली थी, अब वो नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, केस की तारीख तो आगे दी गई है, लेकिन आपको इसकी एक ज़बरदस्त, मैं आपको एक न्यूज़ बताना चाहती हूँ जो न्यूज़पेपर में भी आई है। उसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिया है, आप रीड कर सकते हैं। पोंजी स्कैम में ईडी ने जब्त किए हैं 599 करोड़ रुपीस। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नोएडा में अब जो भी स्कैम चल रहे थे, अब कोई भी उसे छुपा नहीं है, राइट? तो शुक्रवार को पोंजी स्कैम में कार्रवाई करते हुए एल्बिस समेत कई कंपनियों की 599 यानी कि 599 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इसमें पहले ईडी ने पिछले शुक्रवार को भी 2 शहरों में पोंजी स्कीम के सिलसिले में 65 करोड़ रुपए जो थे उस संपत्ति को जब्त किया था। दोस्तों, पिछले शुक्रवार को ईडी ने चेन्नई और जयपुर में पोंजी स्कीम चलाने वाली 2 कंपनियों के कुल 65 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी कुर्क किया था। दोनों कुर्की अलग अलग केस में की गई थी। तो एल्बिस समेत पोंजी स्कीम वाली कई कंपनियों के खिलाफ हुई थी कार्रवाई। तो दोस्तों, करोड़ों की संपत्ति जो जब्त की गई थी पिछले शुक्रवार को, अब उस पर कुछ गौर करती है। इसमें चेन्नई की फ्रॉड कंपनी को 35.55 करोड़ रुपीज जो थे उस संपत्ति को, जयपुर में पोंजी स्कीम चला रही कंपनी को 29.45 करोड़ की संपत्ति इसमें शामिल थी, जिसको जब्त कर लिया गया है। ये सभी कुर्की प्रवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, इसके तहत ये केस चला और लोगों ने इस पे, जो गवर्नमेंट थी इसने बहुत ज़्यादा इस पे कार्रवाई की, अपने एफर्ट्स दिए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो था, जो मनी स्कैम था, पोंजी स्कैम था, उसको लोगों को उसके बारे में जागरूक करवाया है, अवेयर करवाया है, एंड बहुत सारा पैसा जो है वो जब्त कर लिया गया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर लें, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लें और पता करें कि वो किस किस तरह से वर्क करती है, कहाँ से जो पैसा हमें रिटर्न आती है, पूरी रिटर्न्स कहाँ से आती हैं, किस सिलसिले में हमें दी जाती हैं, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बारे में अपने सीनियर से या फिर गवर्नमेंट से इसके बारे में ज़रूर सलाह लें, ताकि आपका भी पैसा जो है, आपकी मेहनत के पैसे कहीं डूब ना जाएं, आपकी मेहनत का पैसा जो है कहीं अच्छी जगह पे लगे और उन पे आपको इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न है वो बहुत अच्छे मिले। तो बहुत बड़े स्कैम जो चल रहे हैं, उनसे बचिए, जो भी करना है सोच समझ के करें। रही बात सोशल ट्रेड की, तो दोस्तों, सोशल ट्रेड ने हमें बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, मैं भी पॉजिटिव बोलूँगी क्योंकि मैंने रिटर्न्स ली हैं, राइट? इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या है इसके पीछे, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं जा रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। तो देखते हैं क्या होने वाला है फ्यूचर इस कंपनी का, हमें क्या इससे रिटर्न्स मिलने वाली हैं, हम कंटिन्यू करेंगे या तारीख पे तारीखें हमें मिलती जाएंगी। तो दोस्तों, ये सब जानकारी लेने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, अगर वहाँ पे क्लिक नहीं है नहीं किया तो क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि आने वाला वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।